ये सन 2135 का समय होता है जब इंसान एक बहुत ही आधुनिक दुनिया में रहते हैं और ज्यादातर सभी कामों के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्लाइमेट चेंजेस की वजह से धरती अब रहने लायक नहीं बची है और यहाँ के सभी नेचुरल रिसोर्सेज भी अब लगभग खत्म हो चुके हैं। इसीलिए इंसानों ने रहने के लिए अर्थ और मून के बीच में एक नई दुनिया का निर्माण किया है। यहाँ इंसानों के रहने के लिए 80 शेल्टर्स बनाए गए हैं, जिनमें से 3 शेल्टर्स ने खुद को एड्रियन रिपब्लिक घोषित करके दूसरे सेल्टर्स पर कब्जा करना चाहा और उनके बीच एक भयानक जंग छिड़ गई, जिसे एड्रियन वॉर का नाम दिया गया। तभी हम आर्मी की सबसे काबिल ऑफिसर कैप्टन जेंगी को देखते हैं, जहां कुछ रोबोट्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं और उनके बीच एक भयानक जंग छिड़ जाती है। लेकिन जेंगी एक महान योद्धा है, जिसके सामने कोई भी AI रोबोट ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और अपनी फाइटिंग स्किल्स से वह उन सभी रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी एक और रोबोट आ जाता है, जिसे काफी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। वह जेंगी को देखते ही उस पर हमला कर देता है। जेंगी भी उस खतरनाक रोबोट का जमकर मुकाबला करती है, लेकिन उसे अकेले हरा पाना बहुत मुश्किल था। तभी जेंगी को इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि इस रोबोट की बैटरी पिछले हिस्से में लगी है। वह उस पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी कार में लगी एक गुड़िया को देख कर वह डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और तभी एक गोली उसके हाथ में आकर लगती है। जब वह अपना जख्मी हाथ देखती है तो उसे पता चलता है कि वह भी एक रोबोट है, जिसके बारे में उसे नहीं पता था। तभी वहाँ एक सायरन बजता है और उसके आसपास की सभी चीजें मिटने लगती हैं, जिसके बाद साइंटिस्ट की वहाँ एक टीम आ जाती है, जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि पता नहीं क्यों जंगी हमेशा यहीं आकर फंस जाती है। दरअसल ये एक टेस्ट रोबोट था, जिसे जंग में इस्तेमाल करने के लिए टेस्ट किया जा रहा था। अब हम टीम की हेड से ह्यून को देखते हैं, जो जंगी को अपने साथ लैब में ले जाती है, जहां उसकी बॉडी को फिर से रिपेयर किया जाता है। तभी वहां आर्मी के कुछ ऑफिसर्स आते हैं, जिनके सामने इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर सेंग हॉन इस रोबोट के बारे में प्रेजेंटेशन देता है, जिसमें बताया जाता है कि कैप्टन जेंगी एक काबिल योद्धा थी, जिसने दुश्मनों को हराकर कई जंगें जीती, लेकिन वह अपने आखिरी मिशन में दुश्मनों से लड़ते हुए घायल हो गई और कोमा में चली गई। जिसके बाद क्रेनोइड कंपनी के कुछ साइंटिस्ट ने जंगी के ब्रेन का डाटा कॉपी करके एक रोबोट के अंदर डाल दिया, जो जंगी के जैसे ही लड़ने की काबिलियत रखता था, या फिर ये कहें कि दिमाग तो इंसान का था लेकिन बॉडी रोबोट की थी। तभी आर्मी ऑफिसर कहता है कि जब तक जंगी अपना आखिरी मिशन पूरा नहीं कर लेती, तब तक सरकार उन्हें कोई भी फंड नहीं दे सकती। दरअसल जंगी को टेस्ट पास करने के लिए एक सिमुलेशन के अंदर रखा जाता है, जहां उसे अपना आखिरी मिशन पूरा करना है। अब प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद डायरेक्टर बहुत ही खुश होता है। उसे पूरा यकीन होता है कि जंगी अपने आखिरी टेस्ट में जरूर पास होगी, जिसके बाद उसे लड़ने के लिए आर्मी में शामिल कर लिया जाएगा। तभी टीम लीडर उस रोबोट को टेस्ट करने के लिए लैब में ले जाती है। जैसे ही उसे ऑन किया जाता है तो वह बिल्कुल जेंगी की तरह ही रिएक्ट करती है, मानो कि उसे एहसास ही ना हो कि वह एक रोबोट है। अब टेस्ट में सब कुछ सही पाए जाने पर जेंगी के ब्रेन को निकाल कर उस पुरानी बॉडी को तोड़ दिया जाता है, जिसके बाद टीम लीडर रिवेल करती है कि जेंगी मेरी माँ थी, जो वॉर लड़ने इसलिए जाती थी ताकि वह मेरे लंग कैंसर का इलाज करवा सके। दरअसल जब से ही उन छोटी थी तो उसे फेफड़ों का कैंसर हो गया था, जिसके इलाज के लिए जेंगी को पैसों की जरूरत थी और इसीलिए उसे हर बार जंग लड़ने के लिए जाना पड़ता था। तभी से ह्यून डायरेक्टर से कहती है कि उसे एथिक्स टेस्ट करवाने के लिए बाहर जाना है और वह ट्रेन में बैठकर वहां से चली जाती है। वह ट्रेन के अंदर एक छोटी बच्ची को देखती है, जिसे देखकर उसे अपना बचपन याद आ जाता है, जब वह आखिरी बार अपनी मॉम से मिली थी। उस दिन से ही उनका ऑपरेशन होने वाला था, लेकिन जेंगी को एक मिशन पूरा करने के लिए बाहर जाना था। जेंगी ने अपनी बेटी से प्रॉमिस किया था कि वह मिशन पूरा करके जल्दी ही उसके पास वापस लौट आएगी। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में वापस आती है, जहां हम सेहुन को देखते हैं, जो टेस्ट करवाने के लिए डॉक्टर के पास आई है। डॉक्टर उसे बताता है कि उसका लंग कैंसर फिर से बढ़ता जा रहा है, जिसे सर्जरी करके भी ठीक नहीं किया जा सकता। सेहुन पूछती है कि मेरे पास कितना वक्त है। डॉक्टर कहता है कि मुश्किल से 3 महीने। वह सेहुन को सलाह देता है कि उसे अपना ब्रेन डाटा कॉपी करवा के किसी प्रोथेस्टिक बॉडी में डलवा लेना चाहिए। सेहुन कहती है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वह एक रोबोट बॉडी खरीद सके, जिसके बाद डॉक्टर उसे एक टाइप सी रोबोट के बारे में बताता है, जिसे वह फ्री में लगवा सकती है, लेकिन इसे लगवाने के बाद उसे इंसान नहीं समझा जाएगा और साथ ही उसके ब्रेन डाटा का इस्तेमाल कोई भी कंपनी अपने फायदे के लिए कर सकती है। डॉक्टर बताता है कि जंगी ने भी यही टाइप चुना था। सेहुन कहती है कि वह इसके बारे में सोचकर बताएगी। तभी हमें पता चलता है कि ये डॉक्टर भी एक
एआई रोबोट था। अब कहानी फिर से पास्ट में चली जाती है, जब सेयुन की नानी के पास कंपनी के कुछ लोग एक एग्रीमेंट साइन करवाने के लिए आते हैं, जो जेंगी के ब्रेन का इस्तेमाल एंड्रॉइड रोबोट बनाने के लिए करना चाहते थे, जिसका इस्तेमाल जंग में किया जाएगा। अगर वह ऐसा करती है तो वो लोग सेयुन की पढ़ाई का पूरा खर्च उठा सकते हैं। जेंगी की नानी के पास कोई और रास्ता नहीं होता है, इसीलिए वह सेयुन की भलाई के लिए उस एग्रीमेंट पर साइन कर देती है। अब अगले दिन सेयुन अपनी मॉम की रोबोट बॉडी के पास जाती है, जिसे एक स्पेशल चैम्बर में रखा गया है। यहाँ जेंगी के ब्रेन को फिर से रिपेयर करके एक नई बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है और टेस्ट के लिए सिमुलेशन के अंदर भेज दिया जाता है। लेकिन कंपनी का डायरेक्टर इस बार कुछ नया ट्राई करना चाहता था, इसीलिए वह जेंगी के पैर में एक गोली मार देता है। अब जैसे ही जेंगी सिमुलेशन के अंदर जाती है तो उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। वह फाइट करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन अब उसके लड़ने का जज्बा खत्म हो चुका है और वह नीचे गिर जाती है। सेयुन अपनी माँ को इस तरह दर्द में देखकर बहुत दुखी होती है। तभी जेंगी के ब्रेन में एक नया हिस्सा एक्टिवेट होता है, जिसके बारे में आज से पहले किसी को नहीं पता था। ये वही हिस्सा होता है जो लड़ने में उसकी मदद करता था। अब एक बार फिर से जेंगी फाइट करने के लिए उठ खड़ी होती है, लेकिन तभी एक रोबोट उसके सर में गोली मार देता है और एक बार फिर से वह अपने मिशन में फेल हो जाती है। अब अगले दिन सभी लोग प्रेसिडेंट से मिलने कंपनी के हेडक्वार्टर पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात कंपनी की नई मैनेजर डायरेक्टर से होती है। वह बताती है कि आज प्रेसिडेंट कुछ जरूरी काम से बाहर गए हैं, इसीलिए वही मीटिंग अटेंड करेगी। अब सभी लोग जब वापस लौट रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि प्रेसिडेंट पहले से ही लैब में मौजूद हैं। जब ये दोनों ऑफिस पहुंचते हैं तो अचानक से सेंगहोन फ्रीज हो जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये डायरेक्टर खुद भी एक रोबोट है। तभी चेयरमैन सेयुन को बताता है कि एड्रियन बोर अब खत्म होने वाली है, यानी कि उन्हें अब और लड़ाकू एआई रोबोट बनाने की जरूरत नहीं है, और साथ ही वह जंगी प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद करने के लिए कहता है। दरअसल चेयरमैन चाहता था कि कंपनी अब घरों में इस्तेमाल होने वाले रोबोट्स बनाए, जिनका इस्तेमाल इंसानों के रोजमर्रा के कामों के लिए किया जाना चाहिए। लेकिन सेयुन अपनी मॉम के प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहती थी, पर चेयरमैन उसे ऐसा करने से साफ मना कर देता है। तभी चेयरमैन रिवील करता है कि ये डायरेक्टर मेरी ही कॉपी है, जिसे मैंने कई साल पहले अपने ब्रेन डाटा को कॉपी करके बनाया था, जो उसके द्वारा बनाया हुआ उसका पहला रोबोट था। वहीं एक बार फिर से जेंगी को टेस्ट करने के लिए सिमुलेशन के अंदर डाल दिया जाता है, लेकिन वह हर बार की तरह उसी जगह आकर रुक जाती है। जिसे फेल होता देख डायरेक्टर बुरी तरह बौखला जाता है। अब जेंगी को फिर से लैब के अंदर लाया जाता है, जहां डायरेक्टर उसके दोनों हाथ काटने के लिए कहता है। दरअसल वह जेंगी के ब्रेन में उस येलो एरिया को फिर से एक्टिव करना चाहता था। वह अंदर जाता है और जेंगी रोबोट के पैर में कई सारी गोलियां मारता है और फिर से उसे स्टार्ट करने के लिए कहता है, जिसके सभी कंट्रोल्स टीम हेड के पास थे। लेकिन इस बार सेयुन उस रोबोट को एक्टिवेट करने से साफ मना कर देती है, जिसके बाद डायरेक्टर को उस पर गुस्सा आ जाता है और वह उस पर गन तान देता है। वह उस रोबोट को ऑन करने के लिए सेयुन को फोर्स करता है, लेकिन तभी वहां एक टीम मेंबर आकर बताती है कि उसे प्रेसिडेंट सर ने ऑफिस में बुलाया है, और वह गुस्से में वहां से चला जाता है। तभी टीम लीडर कहती है कि हमें जंगी प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद करना होगा, इसीलिए तुम लोग जल्द से जल्द पूरा डाटा इकट्ठा करके मुझे भेज दो। अब कुछ समय बाद सेयुन देखती है कि जेंगी का ब्रेन एक और रोबोट में एक्टिवेट है, जिसके बारे में उसे नहीं पता। जब वह इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रूम में जाती है तो वहाँ जेंगी का एक और वर्जन मौजूद होता है, जिसे बस लोगों के मजे के लिए बनाया जा रहा था। जब सेयुन अपनी मॉम के रोबोट को ऐसी हालत में देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वह उस डेवलपर से भिड़ जाती है। डेवलपर उसे बताता है कि ऐसा करने के लिए कंपनी से उसे ऑर्डर मिले हैं, क्योंकि जेंगी एक बहुत ही फेमस योद्धा थी और लोग उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए काफी पैसा देंगे। डेवलपर उसे याद दिलाता है कि जेंगी ने टाइप सी ऑप्शन को चूज किया था, जिसका इस्तेमाल कंपनी किसी भी तरह से कर सकती है। अब एक बार फिर से सेयुन वापस जेंगी के रोबोट के पास आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। वह जेंगी से कहती है कि उसे दुश्मनों के इलाके से सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है और वह सेफ है। ये सुनकर जेंगी रोने लगती है और उसके ब्रेन में वह येलो स्पॉट फिर से एक्टिवेट हो जाता है। जेंगी बताती है कि मेरी एक बेटी थी जिसका आज ऑपरेशन होना था, क्या वह ठीक है? सेयुन कहती है कि हाँ, उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और वह बिल्कुल ठीक है। जेंगी कहती है कि मिशन पर जाने से पहले मेरी बेटी ने मुझे एक गुड़िया दी थी, जो आज जंग में मुझसे कहीं खो गई, जिसके लिए मुझे बहुत बेकार लग रहा है, और यही कारण था कि जेंगी अपने मिशन में फेल हो जाती, क्योंकि
कार में लटकी ये वही गुड़िया थी जो उसकी बेटी ने उसे दी थी, जिसे देखकर वह डिस्ट्रैक्ट हो जाती और हर बार दुश्मन के हाथों मारी जाती। सेयुन भी ये सुनकर रोने लगती है क्योंकि जेंगी नहीं जानती थी कि वह जिस लड़की से बात कर रही है वह उसी की बेटी है। अब अगले दिन जेंगी को टेस्ट करने का आखिरी दिन था, लेकिन टेस्टिंग से पहले सेयुन जेंगी की सभी पुरानी यादें मिटा देती है और उसके ब्रेन में मौजूद येलो एरिया को बहुत ही लो कर देती है ताकि वह उस डॉल को देखकर डिस्ट्रैक्ट ना हो। वह जेंगी को पूरा सच बता देती है जो उसके साथ सिमुलेशन में घटित हो रहा था। अब जब फाइनल टेस्ट शुरू होता है तो जेंगी हमेशा की तरह लड़ती है और उसी स्पॉट पर आकर मर जाती है, लेकिन अब डायरेक्टर को उसके फेल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आज इस प्रोजेक्ट का आखिरी दिन था और वह यहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी डायरेक्टर को कुछ रियलाइज होता है और वह वापस आकर वीडियो रिवर्स करके देखने लगता है। तभी उन्हें पता चलता है कि जेंगी को कोई गोली नहीं लगी थी, वह मरने की एक्टिंग कर रही थी, जिसके बाद डायरेक्टर इमरजेंसी अलार्म बजा देता है और सभी लोगों को चौकन्ना रहने के लिए कहता है। वहीं सेयुन कंपनी के सर्वर से जेंगी के पूरे डाटा को डिलीट कर देती है और जेंगी उन लोगों पर हमला करके वहां से भागने लगती है। अब जैसे ही वह एक हॉल में पहुंचती है तो देखती है कि यहां उसके बहुत सारे क्लोन्स मौजूद हैं जिन्हें वॉर के लिए बनाया गया है। तभी कुछ फाइटर रोबोट्स जेंगी को ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं और उनके बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन ये रोबोट जेंगी के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते और वह उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी उनमें से एक रोबोट जेंगी पर अटैक करके उसे मारने ही वाला होता है कि तभी सेयुन वहां आकर उसे डीएक्टिवेट कर देती है और जेंगी से कहती है कि वह यहां उसकी मदद करने के लिए आई है। तभी वहां कुछ और सिक्योरिटी रोबोट्स आ जाते हैं जो जेंगी को देखते ही शूट कर देते हैं और सेयुन को यहां से ले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी उनका ध्यान जेंगी की बॉडी पर जाता है जो अंदर से खाली थी। सिक्योरिटी कैमरा चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि सेयुन ने जेंगी के दिमाग को निकाल कर उस फाइटर रोबोट के अंदर डाल दिया था ताकि वो लोग इन सिक्योरिटी रोबोट से बचकर यहां से निकल सकें। अब जैसे ही ये दोनों यहां से भागने के लिए ट्रेन में पहुंचते हैं तो यहां डायरेक्टर पहले से ही मौजूद होता है जो देखते ही सेयुन के शोल्डर में गोली मार देता है और वह बुरी तरह जख्मी हो जाती है, जिसके बाद जेंगी और सेंगुन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और इस लड़ाई में डायरेक्टर को एक गोली लगती है जिसमें उसे पहली बार पता चलता है कि वह एक रोबोट है, जिसके बाद वह और ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और जेंगी पर अटैक कर देता है। तभी कुछ और सिक्योरिटी रोबोट्स भी वहां आ जाते हैं जो जेंगी पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन जेंगी अकेले ही उन सबका डटकर मुकाबला करती है और इसी बीच शहर की तरफ से आ रही ट्रेन उनकी ट्रेन से टकरा जाती है और उसका एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी सेयुन जेंगी की तरफ एक रस्सी फेंक कर उसे नीचे गिरने से बचा लेती है और उसे ट्रेन में चढ़ने में मदद करती है, जिसके बाद सेयुन जेंगी को वहां से भागने के लिए कहती है क्योंकि पुलिस कभी भी यहां आती होगी। सेयुन कहती है कि ये तुम्हारी जिंदगी है, इसे तुम अपने तरीके से जियो और आजाद हो जाओ। अब तुम्हें किसी भी तरह के सिमुलेशन टेस्ट से गुजरने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई दर्द महसूस करना पड़ेगा। अब दुनिया की हर खुशी तुम्हारी है। जिसके बाद दोनों माँ बेटी आखिरी बार गले लगती हैं और जेंगी एक नए जीवन की तलाश में वहां से चली जाती है और इस तरह सेयुन अपनी माँ को आजाद करवाने में कामयाब हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी जेंगी मूवी की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। बाकी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।